ठाकुरों ने मुजफ्फरनगर में कर दिया बड़ा खेला। बीजेपी के हाथ से निकल गई बाजी, ठाकुरों की हावी पड़ी नाराजगी। गुजरात से शुरू हुआ राजपूत ठाकुर विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। कल जब उत्तर प्रदेश की पहले चरण की लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है, तो वहीं उस दौरान भी राजपूत ठाकुर विरोध भाजपा का पीछा नहीं छोड़ रहे। कई राजपूत ठाकुरों ने खुलकर बोला है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। इसी बीच सरदना में ठाकुर चौबीसी के लोगों ने मीडिया से बातचीत में उनसे पूछा कि क्या ठाकुर राजपूत समाज द्वारा किया गया भाजपा का विरोध वोटिंग में बदल पाया या नहीं। इस दौरान ठाकुर चौबीसी के लोगों ने जो बताया वह वाकई चौंकाने वाला था। ठाकुर चौबीसी के लोगों ने साफ और सीधी बात में कहते हुए ये कहा कि यहाँ से भाजपा साफ है, किसी ने भी भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान को वोट नहीं दिया। ठाकुर चौबीसी के लोगों ने साफ कहा है कि उनका भाजपा विरोध वोटों में तब्दील हुआ है और यहाँ से संजीव बालियान को वोट नहीं मिला। ठाकुर चौबीसी के लोगों ने साफ कहा कि उन्होंने सारे वोट किसी और पार्टी को दिए। यहाँ पर जिस पार्टी को अब लाया जाएगा वो कोई और ही पार्टी होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नहीं माने, तो ठाकुर चौबीसी के लोगों ने कहा कि वे ऐसे नहीं मानने वाले। वहीं अगर बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर लोकसभा के हिसाब से सैनी समाज अलग अलग पैटर्न पर मतदान करता नजर आया। बिजनौर लोकसभा की मीरापुर और पुरकाजी सीट पर सैनी समाज भाजपा और सपा के बीच बढ़ता नजर आ रहा है। सहारनपुर की अगर बात करें, तो सहारनपुर के शिमलाना, बड़गांव, रणखंडी और पुराना मौरा, नानातो, जबीरण आदि गांव राजपूत बौले केंद्रों पर कम मतदान हुआ। मुस्लिम बौले क्षेत्रों में लंबी कतारें देखने को मिली। कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी के मुस्लिम होने के नाते माना जा रहा था कि इस बार मुस्लिम वोटरों में बंटवारा होगा, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसा कम देखने को मिला। वहीं कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाई दिया। हिंदू बहुले क्षेत्रों में भाजपा ठीक स्थिति में दिखी, जबकि सहारनपुर देहात क्षेत्र के ज्ञानगढ़, हसनपुर, शकदेवली और शकलापुरी जैसे दलित बहुले गांव में वोटरों का बसपा की तरफ झुकाव रहा। बात करते हैं नगीना की। नगीना सुरक्षित सीट पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की वजह से चुनाव खास हो गया है और यह सीट जो है वो एक चर्चित बनी हुई है लगातार। आपने पहले चुनाव में आजाद मुख्य सियासी दलों को जमीन पर मेहनत करने को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी ने ओम कुमार, सपा ने मनोज कुमार और बसपा ने सुरेंद्र सिंह मेनवाल को उतार रखा है। वहीं सुरक्षित नगीना लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम निर्णायक। यहां करीब 7.5 लाख वोटर मुस्लिम है, दलित करीब 4.5 लाख। 2009 में बनी इसी सीट पर पहली बार सपा जीती थी और 2014 में बीजेपी और 2019 में बसपा जीती। चंद्रशेखर यहां दलित मुस्लिम के बल पर चुनाव को चतुकोणीय बना दे रहे हैं और इस सीट पर सभी दलों के मुखिया नेता आकर प्रचार कर चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी को नगीना, सहारनपुर, कैराना में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो ठाकुरों ने लोटा में नमक डालकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की कसम खाई थी, लेकिन चुनावी परिणाम ही बताएंगे कि आखिरकार ठाकुरों के प्रति नाराजगी का भुगतान बीजेपी को किन सीटों पर देखने को मिलेगा। और अभी ऐसे में भी देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 4 जून को जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, क्या ठाकुरों की नाराजगी और ठाकुरों की कसम काम लाएगी या फिर बीजेपी इन सीटों पर बाजी मार जाएगी। इन पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।